तमाम देखने सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त कामरान और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल पर फेसबुक के फ्री नोटिफिकेशंस एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, आपको कोई फेसबुक पर मैसेज करे या आपको कोई तस्वीर पर कमेंट्स वगैरह दे, तो वो फ़ौरन जो है आपके मोबाइल पर थ्रू SMS आपको रिसीव हो जाएगा और आप चाहें तो आप उसी से रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले फेसबुक में लॉगिन हो जाए, इसके बाद जाए ये जो होम के बराबर में ड्रॉप बटन जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग, ठीक है जी। अकाउंट सेटिंग के बाद यहाँ पर देंगे जनरल है, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन, सब्सक्राइबर, एप्स एंड मोबाइल। आपने मोबाइल पे क्लिक करना है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड अ फोन, ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया, इसके बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है अपना कंट्री पाकिस्तान। इसके बाद कैरियर, मेरे पास जोंग है तो मैं जोंग चूज़ करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये देखेंगे कह रहा है कि अपने मोबाइल से आप टेक्स्ट सेंड करें लेटर F32665 पर, तो राइट मैसेज में जाके F टाइप करना है और फिर सेंड करना है 32665 पर, ठीक है जी। जैसे ही आपका ये सेंड होगा तो कुछ ही देर में आपको एक कोड रिसीव हो जाएगा, ठीक है। वो कोड आपने इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। अब मेरे पास कोड आ चुका है DX883DS, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चाहें तो आप ये चाहें कि आपका मोबाइल नंबर तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर हो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अलाउ फ्रेंड्स टू टेक्स्ट मी फ्रॉम फेसबुक, अगर चाहें आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज करें फेसबुक के थ्रू, तो आप इस चेक पर लगा दें। मैं नहीं चाहता कि मेरा नंबर किसी के साथ शेयर हो और ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे फेसबुक के थ्रू मुझे मोबाइल पर SMS करे। आपने कोड डाल के नेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये कुछ टाइम लेगा, उसे कंफर्म करेगा, उसके बाद खुद ब खुद ये पेज रीलोड हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगी फेसबुक मोबाइल की एप्लीकेशन, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। दोबारा जाना है अकाउंट सेटिंग पर, आई एम सॉरी नेट आज कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, फारिया वालों की मेहरबानी से, ठीक है जी। दोबारा आपने आना मोबाइल पर, ठीक है। अब यहाँ देखें नोटिफिकेशन है, इसमें आपने एडिट करना है, ऑन पे चेक लगा दीजिए, टर्न ऑन। पहले वाले पे चेक लगाएंगे कमेंट्स योर स्टेटस और पोस्ट ऑन योर वॉल, अगर आपकी वॉल्स पर कोई कमेंट करेगा या स्टेटस पर या फिर आपकी पोस्ट पर, तो उसका आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। इस पर अगर चेक ना लगाएंगे तो ये नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अगर आप इस पर चेक लगा देंगे सेकंड वाले पर, तो आपको उसका भी मैसेज आ जाएगा। और थर्ड वाले पर चेक लगा देंगे तो तमाम नोटिफिकेशन आपको थ्रू SMS आ जाएंगे। तो मैं सब पर चेक लगा देता हूँ। अगर आप इस पर चेक लगाएंगे रिसीव टेक्स्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम पेरेंट्स ओनली, तो सिर्फ आपके जो फ्रेंड्स लिस्ट में जो ऐड होंगे पर्सन, सिर्फ उन्हीं के आपको नोटिफिकेशन आ सकेंगे। बहरहाल ना लगाएं तो बेहतर है, ठीक है जी। इसमें आप टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि फला टाइम से फला तक आपको नोटिफिकेशन आए, इसके अलावा कोई SMS ना आए फेसबुक का। मैंने तो एनी टाइम पर लगा दिया, ठीक है। डोंट सेंड मी SMS नोटिफिकेशन वाइल आई एम यूजिंग फेसबुक, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको SMS ना आए अगर आप इस पर चेक लगा रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपके कोई जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उसको उन्हें ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही वो अपनी स्टेटस अपडेट करें या कोई कमेंट्स वगैरह, तो वो भी आपके पास फौरन जो है थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं बिल्कुल इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, बिलाल भाई। अब ये जो भी अपने स्टेटस अपडेट करेंगे मुझे SMS आ जाएगा। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करना है आपने, ठीक है जी। और इस तरह ये अब
आप एक्टिवेट कर चुके हैं अपना फेसबुक मोबाइल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और कुछ मदद मिली होगी। सुनने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।